हाय गाइस, वेलकम टू माय स्मार्ट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दिस इज मंजीत। सो हमारे आज के एपिसोड में बात करने वाले हैं एक ऐसी ब्रीड के बारे में जो लार्ज साइज के होने के बावजूद भी काफी फ्रेंडली होते हैं, जो है सेंट बर्नार्ड। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को इस ब्रीड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ फैक्ट्स, लोकेशन एंड प्राइसिंग वगैरह। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बने रहें। और हाँ फ्रेंड्स, ये हमारे एक ब्लैक कलर के लैब्राडोर पपी की फ्री अडॉप्शन की वीडियो है, जो कि मैंने अभी कुछ ही देर पहले पोस्ट किया है। तो प्लीज अगर आप लोग इसे फ्री में अडॉप्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करें, जिसका लिंक आप लोगों को ऊपर आई के बटन में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, सेंट बर्नार्ड एक मस्टिफ डॉग ब्रीड है, बट ये काफी कम टेम्परामेंट के होते हैं, जिसकी वजह से ये ज्यादा बार्क नहीं करते और इसी वजह से इन्हें काफी अच्छा फैमिली डॉग माना जाता है। सेंट बर्नार्ड बच्चों के लिए काफी जेंटल होते हैं, जो उन्हें कभी भी हार्म नहीं पहुंचाते। सेंट बर्नार्ड को काफी पसंद होता है अपनी फैमिली के साथ रहना, उनके साथ खेलना और उनके साथ एक लंबी वॉक पर जाना, तो उसके लिए ये हमेशा रेडी रहते हैं। और हाँ गाइस, पपीज की क्वालिटी के बारे में तो शायद मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इनके मदर फादर की क्वालिटी आप लोग देख ही रहे हैं, जो कि बहुत ही शानदार है। बट इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप लोगों को प्योर एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सेंट बर्नार्ड पपीज लेने हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी है। इसे देखने के बाद आप लोगों को कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम किसी भी पपी को परचेज करते हैं तो हमें दो ही चीजें देखनी होती हैं, उनकी क्वालिटी और उनका प्राइस, और ये दोनों इन पपीज में काफी अच्छे हैं। वैसे ओनर की तरफ से आप लोगों को इन पपीज की क्वालिटी पर लाइफ टाइम की गारंटी मिलेगी, बिकॉज ये पपीज होम ब्रीडिंग के हैं। अगर आप लोग इन पपीज को या इनके मदर फादर को लाइव भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग डॉग ओनर को वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। सेंट बर्नार्ड को परचेज करने के बाद आप लोगों को कुछ बातों का ख्याल जरूर रखना पड़ेगा, जैसे कि एक तो इन्हें ज्यादा गर्मी में घर के बाहर ना निकालें, अदरवाइज ये बीमार पड़ सकते हैं, बिकॉज इनका लॉन्ग कोट होता है जिसकी वजह से इन्हें काफी गर्मी लगती है। और इसी के चलते काफी डॉग ओनर ये गलती कर देते हैं कि वो अपने सेंट बर्नार्ड को हर रोज या दूसरे दिन नहला देते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पे जो ऑयली लेयर होती है वो खत्म हो जाती है और उसके बाद इन्हें काफी हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो प्लीज आप लोग ये छोटी छोटी गलतियां ना करें, अपने सेंट बर्नार्ड को अच्छे से मेंटेन रखें और उनकी केयर करें। वेल गाइस, आगे की बातें करने से पहले यह है हमारी पिछली वीडियो के टॉप 3 कमेंट्स, जिसमें से फर्स्ट है संतोष गुप्ता, सेकंड है कुलदीप सिंह एंड थर्ड है वैभव बमनवाल ओपी। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पपीज की एज, प्राइस और लोकेशन के बारे में। तो फर्स्टली अगर इनकी एज के बारे में बात करें तो पपीज आज 25 डेज के हो चुके हैं और इनकी जो लोकेशन है वो है ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को पपीज पर डिलीवरी नहीं मिल पाएगी। आप में से जो भी इंटरेस्टेड है इन्हें परचेज करने के लिए तो डायरेक्टली ओनर के पास विजिट करके इन्हें परचेज करना होगा। और प्राइसिंग की बात करें तो पपीज बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है और ओनर जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की है 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए, एंड फीमेल की है 18,000 रुपीज, यानी 18,000 रुपए। प्राइस नेगोशियेबल है। I'm sure जब आप लोग इन्हें परचेज करोगे तो आप लोगों को इनमें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों, पपीज की क्वालिटी और इनका प्राइस आप लोगों को कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तो यही तक थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो, मिलता हूँ आप लोगों से एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय।